हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एक और नई जानकारी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप चेहरे की झाइयों को हटाने के लिए किस तरह से घरेलू उपाय अपना सकती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं तो इससे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। यदि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो इससे आपके रक्त में अशुद्धता होना, कमजोरी होना, इस किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम होना, आपकी नींद पूरी नहीं होना या किसी तरह का मानसिक तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे कारण होते हैं आपके चेहरे पर झाइयों के। यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपके चेहरे पर झाइयाँ हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आप क्या आसान घरेलू उपाय अपना सकती हैं। सबसे पहला जो उपाय है वह है आलू का, जो कि बेहद आसान और असरदार है। आप कच्चा आलू लें और उसे कद्दूकस कर लें और उसमें दही मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। या फिर आप क्या कर सकती हैं, कच्चे आलू को काटकर उसमें पानी की कुछ बूंदें डालिए और अपने चेहरे पर गोल गोल घुमाइए और 10 मिनट तक आप इसे लगे रहने दीजिए और इसे सूखने पर गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। तो इससे जो आपके चेहरे की झाइयाँ होती हैं वह काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती हैं। दूसरा जो आपको तरीका अपनाना है वह अपनाना है नींबू और शहद का, जो कि काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि नींबू जो होता है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि चेहरे को अंदरूनी रूप से साफ करने में मदद करते हैं, जिससे आपका चेहरा बेदाग होता है और आपको झाइयां जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप क्या करें, हल्दी जो होती है उसका प्रयोग करिए। हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप हल्दी के साथ नींबू को मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो इसके बाद आपका चेहरा जो है वह बेदाग हो जाता है, आपके चेहरे की झाइयाँ जो हैं वह धीरे धीरे कम होने लगती हैं और आपके चेहरे पर निखार भी आने लगता है। इसके बाद जो है वह आपको प्रयोग करना है। जो चौथा तरीका है वह है आपको एलोवेरा का। एलोवेरा त्वचा को साफ करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन आप इसके लिए क्या करें, यदि आपके पास ताज़ा एलोवेरा है तो आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए और 10 मिनट के लिए सूखने दीजिए। यदि नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकती हैं। आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए तो इससे आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा असर होगा। आप चाहें तो रात को सोते समय भी अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर सो सकती हैं और सुबह अपने चेहरे को ठंडे पानी से धुल लीजिए तो इससे भी आपको बहुत अच्छा असर होगा। और इसके बाद जो पांचवा प्रयोग है वह है एलोवेरा और खीरे का रस। इन दोनों को मिलाकर आप यदि अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपके चेहरे की जो झाइयाँ होती हैं वह दूर हो जाती हैं और आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा असर होता है, क्योंकि ककड़ी जो होती है, जो खीरा होता है, वह आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये पांच प्रयोग हैं जिन्हें आप अपनाते हैं तो आपके चेहरे की झाइयाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।